सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह एडोब कनेक्ट में मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे या आपका जो ईमेल अकाउंट जिस पे आपने रजिस्टर्ड किया होगा एडोब कनेक्ट, उस ईमेल पे जाके आपके पास यूआरएल होगा आपके एडोब का, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको एडोब कनेक्ट के होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे आप अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये आपकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस होम स्क्रीन में हमारे पास जो मीटिंग्स हमने कंडक्ट की होंगी वो शो हो रही होंगी या जो हमने स्केड्यूल की होंगी वो शो हो रही होगी। तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आप मीटिंग के टैब पे जाएंगे और जिस मीटिंग को आपने स्टार्ट करना है उसको क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लेक्चर नंबर 40 को मैंने स्टार्ट करना है तो मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ नीचे एक बटन आ रहा है आपके पास, एंटर मीटिंग रूम। एंटर मीटिंग रूम को आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो एडोब कनेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी उसमें जाके ये ओपन हो जाएगा आपका एडोब कनेक्ट। अब ये आपका लाइव टेलीकास्ट की तरफ जा रहा है और आप जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं सारे के सारे यूजर्स के साथ एडोब कनेक्ट में। तो ये आपकी स्क्रीन है एडोब कनेक्ट की, इसमें आपकी जो मीटिंग है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे मीटिंग का टैब है, इसमें आप कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मीटिंग को एंड करना चाहते हैं तो वहाँ से एंड कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने कोई अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो वो यहाँ स्क्रीन शेयर का बटन प्रेस करके आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ तो अब मेरी जो स्क्रीन है वो डेस्कटॉप की वो शेयर हो गई है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो मेरी डेस्कटॉप को व्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे ये माइक वगैरह का ऑप्शन है, आप माइक को ऑफ भी कर सकते हैं। कैमरा आपका, वेबकैम भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब कोई और आपने चीज स्टडी करनी है या टीच करनी है, अपने पार्टिसिपेंट्स को कोई चीज शेयर करनी है तो वो आप यहाँ से भी शो करवा सकते हैं। अब आपने वर्ड में फाइल की ओपन करके शेयर भी करवा सकते हैं। तो ये सिमिलर फीचर्स हैं जो दूसरी ऐप्स में होते हैं। तो ये इसमें काफी, इसकी एप्लीकेशन काफी लाइट है तो इसमें इस तरह आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हैं। और इसमें आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पार्टिसिपेंट से चैटिंग करनी है तो वो आप चैट कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को व्यू कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स अभी ऑनलाइन है, तो यहाँ से आप उनका माइक वगैरह भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये स्क्रीन शेयर करवानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको टीच करना है या स्टडी करना है पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो वो आप यहाँ पे इस तरह शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पीडीएफ फाइल आपने शेयर करनी है तो डेस्कटॉप से मैंने इसको ओपन कर लिया, तो अब ये बाकी जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको भी विजिबल होगी और आप इसमें एडिटिंग करके जो है वो कोई भी चीज को हाईलाइट भी कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो मीटिंग को एंड करना है, मीटिंग को एंड करने के लिए हम शेयरिंग को पहले क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर देंगे। इसके बाद आपको मीटिंग को एंड करना है तो यहाँ मीटिंग में जाके आप एंड मीटिंग कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे तो ये आपकी मीटिंग यहाँ पे एंड हो गई। तो इस तरह आपके पास एडोब कनेक्ट में मीटिंग कंडक्ट की जाती है।